नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, टारगेट हब 2.0 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा मैट्रिक्स चैप्टर चल रहा था और उसके हमने 3 क्लासें लगा भी ली हैं। आज अपन 4 नंबर उसकी क्लास लेके आए हैं। पीछे वाली तीनों क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप फॉलो कर सकते हैं, क्लास को देख सकते हैं, कंटिन्यू क्लास को देखते जाएँ। और डेली क्लास लगभग आने लग गई है अब सुचारू रूप से, ठीक है। आपकी सुबह क्लास आती है और 10वीं क्लास वालों की शाम को 4 बजे क्लास आती है। अगर आपका छोटा भाई बहन 10वीं क्लास में है तो उसको भी आप बता सकते हैं कि शाम को 4 बजे डेली मैथ की क्लास होती है और BSc एग्रीकल्चर की सुबह 9 बजे क्लास होती है। फिलहाल हमने टाइम सेट किया है और धीरे धीरे इसमें कंटिन्यूटी भी बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलेगा, क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें भाई। ये 4 नंबर क्लास है आज। आज अपन पढ़ने वाले हैं इसके अंदर अवयवों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। हमने मैट्रिक्स का जोड़ पढ़ लिया, घटाव पढ़ लिया, लेकिन अवयव का गुणा आज की क्लास सबसे बेहतर क्लास होने वाली है। और ये मैंने इससे पीछे वाली क्लास में बताया था लास्ट में कि मैट्रिक्स में गुणा अगर आपने सीख लिया तो ये मानिए मैट्रिक्स लगभग आपने सीख लिया, सबसे इम्पोर्टेंट है। और इस पे ही बड़े क्वेश्चंस बनते हैं, कई बार 15 नंबर का क्वेश्चन बनता है तो इसी से बनता है, ध्यान रखना। तो मैट्रिक्स का गुणा कब संभव है, सबसे पहले मैं चर्चा करूं मैट्रिक्स गुणा कब संभव होगा। प्यारे विद्यार्थियों, पहली कंडीशन में लिखूं, जब पहली मैट्रिक्स में ये कोई ए मैट्रिक्स है और ये कोई बी मैट्रिक्स है, इनका गुणा कब संभव होगा, जब इनका ऑर्डर लिखें तो ये तो आ जाए एम गुणा एन और ये आ जाए एन गुणा एम। यानी ये जो नज़दीक नज़दीक वाला मैटर है ये इक्वल हो जाए तभी इनका मल्टीप्लाई संभव है, अन्यथा मल्टीप्लाई संभव नहीं है। जब पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या बराबर हो दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या। क्या बात मेरी समझ में आई क्या? यानी मैट्रिक्स गुणा कब संभव है, जब पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या अगर बराबर हो तो दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, अन्यथा इनका मल्टीप्लाई नहीं होगा। और मल्टीप्लाई होने के बाद में कौन सी मैट्रिक्स बनेगी, जो भी मैट्रिक्स बनेगी, मान लेते हैं सी मैट्रिक्स बनी, ए गुणा बी का मल्टीप्लाई होने के बाद में सी मैट्रिक्स बनी, इन दोनों का मल्टीप्लाई होने के बाद में कोई सी मैट्रिक्स बनी तो उनकी कोटि क्या होगी, मेरे को यह बताएं, इनका ऑर्डर क्या होगा। जो बच गया ना मैटर इनमें, इनके ऑर्डर में जो भी मान बच गया, नज़दीक नज़दीक वाला तो सेम हो गया, अगर सेम होगा तभी तो इनका मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो बाद में जो मैट्रिक्स बची हैं, जो मैटर बचा है वो इनका ऑर्डर हो जाएगा एम गुणा एम, ये इसकी कोटि होगी। क्या बात मेरी समझ में आई क्या? मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई सीखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे, लेकिन इतनी बात समझ में आई क्या आपको कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब संभव है? अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई संभव है तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका क्रम क्या होगा? क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं। एक बार मैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके दिखा दूं आपको, यहां पे दिखाओ। तो चलो एक कोई मैट्रिक्स लेते हैं, मैंने यहां पे एग्जांपल के तौर पे कोई एक छोटा सा मैट्रिक्स ले लिया ए,
ये एक दो माइनस एक जीरो, ठीक, इसका ऑर्डर है दो गुणा दो। और कोई मैट्रिक्स बी ले ली, उसका ऑर्डर होगा माइनस एक जीरो तीन एक दो तीन, या और नंबर ले लो कोई, एक दो चार ले लो। इसका ऑर्डर क्या है, दो गुणा तीन है, दो गुणा तीन है। तो इसमें स्तंभों की संख्या, इसमें पंक्तियों की संख्या बराबर है, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका तो ऑर्डर है दो गुणा दो, बराबर इसका ऑर्डर है दो गुणा तीन, यानी इनका मल्टीप्लाई संभव है, इनका मल्टीप्लाई संभव है, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई संभव है तो ए डॉट बी निकालते हैं, ए डॉट बी निकालते हैं, तो ए डॉट बी क्या आएगा, एक दो माइनस एक जीरो डॉट, बी क्या आएगा माइनस एक जीरो तीन एक दो चार। पहली मैट्रिक्स में ऐसे चलेंगे और दूसरी मैट्रिक्स में ऐसे चलेंगे, पहली मैट्रिक्स में पंक्ति पंक्ति चलेंगे, दूसरी मैट्रिक्स में स्तंभ स्तंभ चलेंगे। बात समझ में आ रही ना, तो ए डॉट, ए डॉट बी बराबर क्या बनेगा, एक का गुणा माइनस एक के साथ में, एक यहां पे ये बन जाएगा एक गुणा माइनस एक, दो का गुणा प्लस करना है बीच में, दो का गुणा प्लस एक के साथ में, इस एक का गुणा इस माइनस एक के साथ में, इस दो का गुणा इस नीचे वाले एक के साथ में, दो एकम दो, ठीक है। अब इस एक का गुणा इस जीरो के साथ में, तो एक गुणा जीरो प्लस दो गुणा दो, दो गुणा दो, इस एक का गुणा तीन के साथ में, एक गुणा तीन प्लस दो का गुणा चार के साथ, ठीक है। यानी आपने पहली पंक्ति का, पहली पहली पंक्ति का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम के साथ में कर दिया, तो यहां पे पहली पंक्ति कंप्लीट हो गई। अब दूसरी पंक्ति उठाते हैं पहली मैट्रिक्स की, तीनों कॉलम के साथ बारी बारी से गुणा करते हैं। देखो माइनस एक का गुणा माइनस एक के साथ, प्लस जीरो का गुणा एक के साथ, माइनस एक का गुणा जीरो के साथ, और जीरो का गुणा दो के साथ, माइनस एक का गुणा तीन के साथ, प्लस जीरो का गुणा चार के साथ। देख लो क्या रिजल्ट आ रहा है, ए डॉट बी, ए डॉट बी, यहां पे माइनस एक, मैं रिजल्ट लिख रहा हूं, यहां पे माइनस एक और दो, माइनस एक प्लस दो, ये तो एक गुणा जीरो और दो दूनी चार। मैं क्या इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकता हूं क्या, बताइए मेरे को, माइनस एक और प्लस दो है, माइनस एक और प्लस दो है, तो इसको मैं क्या डायरेक्टली प्लस का एक लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं तो बताइए, प्लस का एक लिख दिया, एक गुणा जीरो जीरो, दो दूनी चार, तो जीरो प्लस में चार चार ही आएगा, एक गुणा तीन तीन, और चार दूनी आठ, आठ और तीन ग्यारह, आठ और तीन ग्यारह, माइनस एक गुणा माइनस एक प्लस एक बन जाएगा, और जीरो गुणा एक जीरो बन जाएगा, तो प्लस का एक है और प्लस में जीरो है, तो प्लस का एक ही आएगा, माइनस एक गुणा जीरो जीरो, और जीरो गुणा दो जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, माइनस एक गुणा तीन, माइनस के तीन
प्लस में 0 गुणा 4 0, माइनस के 3 प्लस 0 माइनस के 3, और इसका ऑर्डर क्या आया 2 गुणा 2, यहां पे सॉरी 2 गुणा 2 कैसे 2 गुणा 3, अरे भैया गलती से लिखा गया ये तो, इसको ये कितना आया था रे माइनस का 3 आया था क्या, इसका ऑर्डर आ गया 2 गुणा 3। चेक कर लो, लास्ट में मैंने यही बताया था कि लास्ट में जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, जो बच गया मान वही उसका ऑर्डर बन जाएगा। तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है, ये तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं आगे, तो बने रहें क्लास को लाइक और शेयर करते चले। नेक्स्ट है, हमें दे रखा है अवयवों के गुणन की अकर्मक अक्रम विनियमिता है, सॉरी अक्रम विनियमिता है, ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है नाम, ए अलग होना चाहिए क्रम विनियमिता, ठीक है। तो अवयव में हमने अवयव के योग में क्रम विनियमिता का रूल पढ़ा था कि योग होता है वो क्रम विनिमय होता है मैट्रिक्स में, लेकिन गुणा में क्रम विनिमय नहीं होता, इसलिए तो इसने लिखा है कि अक्रम विनियमिता। अब हम एक उदाहरण के द्वारा देखेंगे कि यदि ए डॉट बी तथा बी डॉट ए परिभाषित भी हो तो यह आवश्यक नहीं कि ए बी बराबर बी ए हो। ये अपन एक उदाहरण के तौर पे देखेंगे यहाँ पे कि क्रम विनिमय क्यों नहीं है, कि आपने सर जी बताया, बहुत बार बताया है सर कि 4 गुणा 5 बराबर 5 गुणा 4, ये बराबर होता है बेटा, लेकिन मैट्रिक्स गुणा में ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो अब हम एक उदाहरण के तौर तरीके से समझेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लिया हमने, कोई ए मैट्रिक्स मान लिया हमने, माइनस का 1 0 2 1, ये कोई 2 गुणा 2 का मैट्रिक्स मान लिया, और बी मैट्रिक्स हमने माना है 0 1 2 3 मैट्रिक्स माना है, ये भी 2 गुणा 2 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे ए बी व बी ए दोनों ही संभव है, देख लो 2 गुणा 2 का है, वर्ग मैट्रिक्स है, तो ए बी भी संभव होगा और बी ए भी संभव होगा। तो सबसे पहले ए बी निकालते हैं, ए को पहले लिखेंगे माइनस 1 0 2 1, डॉट में करेंगे बी 0 1 2 3, करो हल इसको, माइनस 1 का गुणा 0 के साथ में 0, 0 का गुणा 2 के साथ में 0, तो 0 प्लस 0 0 आएगा, माइनस 1 का गुणा इस 1 के साथ में तो माइनस 1, 0 का गुणा 3 के साथ में 0, तो माइनस 1 प्लस 0 तो माइनस 1, 2 का गुणा 0 के साथ में 0, 1 का गुणा 2 के साथ में 2, 2 एकम 2, 2 का गुणा 1 के साथ में 2 एकम 2, 1 का गुणा 3 के साथ में 1 तिया 3, 2 और 3 5, ये प्राप्त हो गया हमें 2 गुणा 2 का ए डॉट बी मैट्रिक्स। अब यहां से बी डॉट ए चेक करते हैं, बी डॉट ए चेक करेंगे तो यहां पे 0 1 2 3, पहले बी को लिखेंगे बाद में ए को लिखेंगे, तो माइनस 1 0 2 1, इज दैट क्लियर, इतनी बात समझ में आई क्या, सही चल रहा है ना, बता देना भाई बी डॉट ए इज इक्वल टू 0 का गुणा माइनस 1 के साथ में 0, 1 का गुणा 2 के साथ में 2 एकम 2, 0 का गुणा 0 के साथ में 0, 1 का गुणा 1 के साथ में 1, 2 का गुणा माइनस 1 के साथ में माइनस 2, 3 का गुणा 2 के साथ में 6, माइनस के 2 प्लस का 6, तो प्लस का कितना आएगा 4 आएगा, 2 का गुणा 0 के साथ में 0, 3 का गुणा 1 के साथ में 3 एकम 3, ये आपके पास 2 गुणा 2 का मैट्रिक्स आ गया। तो यहां पे 0 माइनस 1 2 5, और ये आया 2 1 4 3, तो लिखेंगे
अतः यहाँ ए डॉट बी बराबर नहीं है बी डॉट ए के, इज दैट क्लियर? बात समझ में आई क्या? जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो बात आपके समझ में आ गई क्या अच्छे से? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अवयवों के गुणन के गुणधर्म में साहचर्यता रूल। सबसे पहले हमने साहचर्य रूल लिया है, किन्हीं भी तीन अवयवों ए डॉट बी और सी के लिए साहचर्य रूल फॉलो होता है। कर्म वहाँ पे अवयव के या मैट्रिक्स के योग में भी हमने साहचर्य रूल पढ़ा था, वहाँ पे भी फॉलो हो रहा था और गुणा के लिए भी फॉलो हो रहा है, लेकिन कर्म विनिमय में गुणा में फॉलो नहीं हो रहा है। बात समझ में आई क्या आपके? यहाँ कोई भी, जैसे हमने एक उदाहरण लिया था ए बी सी वाला, ए बी वाला लिया था, अब की बार कोई सी लेके चेक कर लेते हैं ए डॉट बी और फिर इसका जो रिजल्ट प्राप्त होगा, यानी इनका जो रिजल्ट प्राप्त होगा उनका मल्टीप्लाई सी के साथ में, और पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई इसका रिजल्ट प्राप्त होगा उनका मल्टीप्लाई ए के साथ में करेंगे तो दोनों रिजल्ट बराबर प्राप्त होंगे। क्या ऐसा संभव है सर जी? जरूर बिल्कुल चेक करते हैं ताकि आपको कन्फर्म हो जाए बात। माना अपन कोई मैट्रिक्स ए मान लेते हैं अपनी मर्जी से, छोटी मैट्रिक्स मानना, इस प्रकार के उदाहरण अगर आपको देने की कहीं आवश्यकता पड़े तो छोटा सा उदाहरण मानना है ताकि समय बचे। दो माइनस एक, एक जीरो, कोई ए मैट्रिक्स ले लिया, बी मैट्रिक्स मैंने लिया है तीन चार माइनस एक, भैया एक जैसे मत लो, थोड़ा थोड़ा चेंज कर दो इसमें, जीरो एक, और सी मैट्रिक्स ले लिया कोई एक जीरो माइनस एक और दो, ये चेंज करते हैं। ठीक, सबसे पहले मैं ए डॉट बी करता हूँ, ए डॉट बी करूँगा तो यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दो तीन छः और माइनस एक गुणा जीरो जीरो, छः प्लस जीरो छः, दो चौके आठ और माइनस एक, आठ माइनस एक सात, एक तिया तीन और जीरो तो तीन आएगा, एक चौके चार और जीरो चार आएगा। अब अपन निकालेंगे ए डॉट बी में मल्टीप्लाई करना है सी का, तो ए डॉट बी का मान रखो पहले छ सात तीन चार और सी का मान रखेंगे एक जीरो माइनस एक दो। चेक करते हैं क्या रिजल्ट आता है, ए डॉट बी और ये है डॉट सी बराबर, क्या रिजल्ट आएगा भैया बताइए? छः एकम छः प्लस का छः आ गया, सात एकम सात लेकिन माइनस के साथ आ गया, प्लस का छः माइनस के साथ रिजल्ट देगा माइनस का एक, समझ गए क्या? ठीक है, छः का गुणा जीरो के साथ में जीरो, सात का गुणा दो के साथ में चौदह, ठीक है, बात समझ रहे हो क्या? सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ पा रहे हैं? तीन का गुणा एक के साथ में तीन एकम तीन, चार का गुणा माइनस एक के साथ में माइनस के चार, प्लस का तीन माइनस के चार तो माइनस का एक आ जाएगा, तीन का गुणा जीरो के साथ में जीरो, चार का गुणा दो के साथ में आठ, तो ये रिजल्ट बनेगा। इसको समीकरण नंबर एक देते हैं, इनको समीकरण नंबर एक देते हैं। इसके बाद में देखो यहाँ पे करते हैं सबसे पहले बी डॉट सी, बी डॉट सी करेंगे तो बी डॉट सी करेंगे तो तीन का गुणा जीरो के साथ में तीन एकम तीन, तीन का गुणा जीरो नहीं, तीन का गुणा एक के साथ में तीन एकम तीन, और चार का गुणा माइनस चार के साथ में, चार का गुणा माइनस एक के साथ में, सॉरी क्या हो गया, हिल गया क्या, ऐसे मत कर यार, तीन का गुणा एक के साथ में तीन एकम तीन, चार का गुणा माइनस एक के साथ में माइनस के चार, प्लस के तीन माइनस के चार तो माइनस का एक बचेगा, तीन का गुणा जीरो के साथ में जीरो,
चार का गुणा दो के साथ में, चार दुनी आठ, ठीक। जीरो का गुणा एक के साथ में जीरो, एक का गुणा माइनस एक के साथ में माइनस एक, ठीक है। अब एक का गुणा जीरो के साथ में, जीरो का गुणा जीरो के साथ में जीरो, और एक का गुणा दो के साथ में दो। बात समझ में आ रही ना? इसमें ऐसे चलते हैं, इसमें ऐसे, फिर इसमें ऐसे, इसमें ऐसे, यानी पहली पंक्ति का दोनों कॉलम के साथ में करवा दिया, फिर दूसरी पंक्ति का दोनों कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करवा दिया। समझ पा रहे हैं? अब हमें निकालना है क्या, ए डॉट बी डॉट सी। ए डॉट कितना है बताओ, ए का मान कितना है, दो माइनस एक, एक जीरो, और बी डॉट सी का मान कितना है, माइनस एक आठ, माइनस एक दो। चेक करते हैं, माइनस दो का गुणा माइनस एक के साथ में माइनस के दो, माइनस एक का गुणा माइनस एक के साथ में प्लस एक, माइनस के दो प्लस एक, माइनस का एक बचेगा। दो का गुणा आठ के साथ में सोलह, और माइनस एक का गुणा दो के साथ में माइनस दो, सोलह प्लस का माइनस दो तो प्लस का चौदह। यहाँ पे एक का गुणा माइनस एक के साथ में माइनस एक, जीरो का गुणा माइनस एक के साथ में जीरो, तो ये आएगा माइनस एक। एक का गुणा आठ के साथ में आठ, एक आठ, जीरो का गुणा दो के साथ में जीरो, तो ये आएगा आठ। तो रिजल्ट क्या आ गया देख लो, माइनस एक चौदह, माइनस एक आठ, माइनस एक चौदह, माइनस एक आठ, समीकरण नंबर दो। तो लिखेंगे समीकरण एक व दो से ए डॉट बी डॉट सी बराबर हैं ए डॉट बी डॉट सी के। ये साहचर्य रूल गुणा में फॉलो होता है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं, ऐसा उदाहरण आप भी बना सकते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट पे चलूं क्या? वितरण नियम, किन्हीं भी तीन अवयव ए बी सी के लिए वितरण नियम क्या कहता है? अगर कोई दो मैट्रिक्स का योग है उसके साथ में अगर अपन तीसरे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो इस प्रकार से प्राप्त होता है, यानी दोनों के जोड़ में अगर ए का गुणा करते हैं या दोनों के अलग अलग गुणा करके जोड़ते हैं तो दोनों रिजल्ट बराबर प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से ये भी रिजल्ट दोनों है, इसको वितरण नियम कहते हैं। वितरण नियम कहते हैं, और ए प्लस बी का मल्टीप्लाई सी के साथ में, तो सी का मल्टीप्लाई दोनों के साथ अलग अलग लग जाता है जब भी समीकरण के दोनों पक्ष परिभाषित हों। ये होना जरूरी है कि दोनों पद क्या है, परिभाषित होने जरूरी है, ए सी और बी सी, ए सी और बी सी, ए सी भी निकलना चाहिए व बी सी भी निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ए सी तो बन रहा है लेकिन बी सी नहीं बन रहा, ठीक है। तो गुणा के लिए उसके ऑर्डर देखे जाते हैं। ऑर्डर में पहली मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या, दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या देखी जाती है। अगर वो समान है तो परिभाषित है, अन्यथा परिभाषित नहीं है। तो ये आप एक छोटा सा एग्जांपल लेके, मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, आप HW में इसको करके चेक करना, ठीक। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक एग्जांपल, ए आप मान लेना, छोटा सा उदाहरण लिख रहा हूँ, दो तीन एक जीरो। कोई दूसरी मैट्रिक्स हमने बी मान ली, माइनस एक एक जीरो दो, और तीसरी मैट्रिक्स हमने मान ली, दो एक तीन दो। ये कोई मैट्रिक्स, इसको माइनस कर दो। ये तीन मैट्रिक्स हमने मानी है, इसमें आप पहले B प्लस सी को जोड़ के A से मल्टीप्लाई करो, फिर AB का मल्टीप्लाई करो, AC का मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों को जोड़ दो, दोनों रिजल्ट बराबर प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे A प्लस B को पहले जोड़ के C से मल्टीप्लाई कर दो और बराबर रिजल्ट आएगा AC
प्लस में बीसी का जोड़ करोगे तो दोनों रिजल्ट इक्वल आएंगे। ये है वितरण नियम गुणा के लिए, समझ गए क्या? नेक्स्ट है गुणन के तत्समक का अस्तित्व है। प्रत्येक वर्ग अव्यय ए के लिए समान कोटि के अव्यय आई का अस्तित्व है। इस प्रकार होता है कि अब हमने योग के लिए तत्समक लिखा था शून्य मैट्रिक्स को, और गुणा के लिए तत्समक मैट्रिक्स कहते हैं इकाई मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे काम में आने, सबसे ज़्यादा काम में आने वाली मैट्रिक्स है इकाई मैट्रिक्स। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया है, ए मानना है कोई, तीन दो माइनस एक जीरो, ये लिया है। तो अब यहाँ पे इकाई मैट्रिक्स क्या आएगी, दो गुणा दो क्या आएगी, यानी आई टू आएगा, ये आएगा एक जीरो जीरो एक। कहने का मतलब इकाई मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देख लो यहाँ पे आई का ए के साथ में, ए का आई के साथ में मल्टीप्लाई किया, वापिस रिजल्ट ए प्राप्त हो गया। चेक करके देखते हैं, मैं यहाँ से आई ए लिख रहा हूँ, आई डॉट ए, आई का रिजल्ट कितना है एक जीरो जीरो एक, और ए का रिजल्ट लिख रहा हूँ यहाँ से दो तीन तीन दो माइनस एक जीरो। तो क्या बनेगा देखो, एक का गुणा तीन के साथ में तीन, जीरो का गुणा माइनस एक के साथ में जीरो, तो ये आ जाएगा तीन एकम तीन। एक का गुणा दो के साथ में दो एकम दो, जीरो गुणा जीरो जीरो, तो ये आ जाएगा दो। जीरो का गुणा तीन के साथ में जीरो, एक का गुणा माइनस एक के साथ में माइनस एक, जीरो का गुणा दो के साथ में जीरो, एक का गुणा जीरो के साथ में जीरो, तो वापिस क्या प्राप्त हो गया हमें, ए प्राप्त हो गया। चेक कर दो, वापिस हमें क्या प्राप्त हो गया, तीन दो माइनस एक जीरो, तीन दो माइनस एक जीरो। तो इस प्रकार से गुणा के लिए तत्समक मैट्रिक्स पूछे आपसे तो आप कहेंगे इकाई मैट्रिक्स होगी, योग के लिए तत्समक मैट्रिक्स पूछे आपसे तो आप कहेंगे शून्य मैट्रिक्स होगी। ठीक है, इसके बाद में ये आ जाती है त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार अव्यय ट्रायंगल मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गया, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स या ऊपरी त्रिभुजाकार अव्यय। सबसे दो होते हैं, एक तो निम्न त्रिभुजाकार होते हैं, एक होते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वह वर्ग अव्यय जिसमें अगर विकर्ण के नीचे के सभी अव्यय शून्य हो, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाती है। अगर विकर्ण क्या होते हैं, मैं कोई मैट्रिक्स लिख रहा हूं, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, ठीक है, तो यहां पे अगर विकर्ण ये हो जाएगा, ये कौन सा विकर्ण है, अगर विकर्ण, और ये कौन सा विकर्ण है, पश्च विकर्ण, कौन सा विकर्ण है, पश्च विकर्ण। तो इसने कहा है कि अगर विकर्ण के नीचे के सारे एलिमेंट, अगर विकर्ण के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, उसे कौन सा त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहते हैं, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहते हैं, यानी इनको मिलाने से एक त्रिभुज का निर्माण होता है। इसको मैं थोड़ा सा क्लीन चिट कर देता हूं ना। अब अपन एक उदाहरण देके आपको समझाएंगे, पश्च विकर्ण और अग्र विकर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई क्या। यहां पे एक कोई उदाहरण दे दिया हमने, सात तीन पांच जीरो जीरो, माइनस का दो जीरो एक, और ये आ गया चार। ये क्या है, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है। इनको आपस में मिलाएंगे, ऊपर वालों को आपस में मिलाएंगे तो एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है।
क्या बन रहा है, एक त्रिभुज का निर्माण बन रहा है। यानी अगर विकिरण के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं उसे क्या कहते हैं, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है निम्न त्रिभुजाकार अव्यय लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, वह वर्ग अव्यय जिसमें अगर विकिरण के ऊपर के सभी अव्यय शून्य होते हैं उसे निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहते हैं। कोई मैट्रिक्स हमने बी ले ली तो हमने लिखा 7 4 3 0 0 5 4 0 ये दो, इसको आपस में मिलाएंगे तो नीचे की तरफ एक त्रिभुज बन रहा है, तो इसे कहते हैं निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। बात समझ में आई क्या, इस पे काफ़ी क्वेश्चन करेंगे आगे। नेक्स्ट देखिएगा परिवर्त मैट्रिक्स, इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। परिवर्त मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। यदि किसी अव्यय ए की पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त नई अव्यय को मूल अव्यय ए की परिवर्त अव्यय कहते हैं। इसे ए डैश से या ए की घात टी से निरूपित करते हैं, ज्यादातर इससे निरूपित किया जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो मैं कोई मैट्रिक्स ले रहा हूं ए, एग्जाम्पल के तौर पे समझे, 2 3 4 0 -1 2 7 8 9 ये कोई मैट्रिक्स है, कोई जरूरी नहीं कि वर्गाकार ही हो, किसी भी क्रम की हो सकती है। इसका मैं ट्रांसपोज निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, ट्रांसपोज परिवर्त मैट्रिक्स निकालता हूँ। तो परिवर्त मैट्रिक्स क्या प्राप्त हो जाएगी, पहली जो पंक्ति है उसको मैं पहला कॉलम बनाता हूँ 2 3 4, दूसरी पंक्ति है दूसरा कॉलम 0 -1 2 और तीसरी पंक्ति को तीसरा कॉलम 7 8 9 7 8 9, ये है आपके पास में ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स की पंक्ति को कॉलम में, कॉलम को पंक्ति में इंटरचेंज कर देते हैं तो हमें प्राप्त मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, सममित अव्यय और एक है विषम सममित अव्यय, सममैट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सममित अव्यय कैसे कहते हैं, यदि कोई मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज प्राप्त करें तो वापिस वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, सममित मैट्रिक्स कहते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज प्राप्त करें तो माइनस लग जाए, यानी माइनस ए प्राप्त हो, उसे विषम सममित मैट्रिक्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विषम सममित मैट्रिक्स कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, उदाहरण के तौर पे चर्चा करें तो मैंने कोई मैट्रिक्स ए ले लिया, यहाँ पे आपने लिखा 1 2 2 3, ठीक है। इसका मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ, ट्रांसपोज करूँगा तो पहली पंक्ति को पहला कॉलम 1 2, दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम 2 3, वापिस रिजल्ट क्या प्राप्त हो गया, वही रिजल्ट प्राप्त हो गया। देख लो, इसमें देखते हैं, कोई मैट्रिक्स बी हमने लिया, बी हमने लिया तो ये ले लिया 0 -1 0 -1 और ये ले लिया हमने 2 0 2 0 ले लिया। इसका एक बार ट्रांसपोज करके देखते हैं, बी का ट्रांसपोज करेंगे, बी का ट्रांसपोज करेंगे तो पहले, एक मिनट यार, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दिया गया, हाँ एक गड़बड़ कर दिया इसमें, ये दोनों सेम सेम आएंगे, उदाहरण इस तरीके का लेना पड़ेगा, लिहाज नहीं हमें कि हमने ले लिया -1 ले लो
ये एक ले लो, कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये उदाहरण लिया हमने, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो पहली जो पंक्ति है उसको पहला कॉलम जीरो एक बना दिया, दूसरी जो पंक्ति है उसको दूसरा कॉलम बना दिया मैंने। अब देखो ये तो दोनों चेंज है, यहाँ पे प्लस का एक है माइनस का एक, मैं इसमें माइनस से गुणा करा देता हूँ या माइनस बाहर ले लेता हूँ, कॉमन लेता हूँ, तो माइनस का जीरो प्लस का जीरो जीरो रहने वाला है। माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया प्लस का, और यहाँ पे प्लस का है तो ये बन गया माइनस का, और जीरो माइनस प्लस कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो तो जीरो रहते हैं। ये वापिस क्या बन गया, बी बन गया, माइनस लगा हुआ है बी बन गया। तो इस प्रकार के उदाहरण आपको देने हैं विषम सममित मैट्रिक्स में, बी का ट्रांसपोज किया वापिस माइनस बी प्राप्त हो गया, या ए लिखो या बी लिखो या सी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात में। तो ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, कहने का मतलब ये बात समझ में आनी चाहिए, ट्रांसपोज करें तो माइनस ए प्राप्त हो जाएगा। ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, विषम सममित मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद में लास्ट एंड फाइनल इसकी स्लाइड है, वो अपन ओपन कर लेते हैं। लास्ट स्लाइड में क्या लिखा है, यदि दो अव्यय ए और बी योग तथा गुणा के लिए अनुकूलीय है तो ये रिजल्ट प्राप्त होंगे। बेटा ध्यान से सुन लेना ये बात, ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज, ये होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल इस पे करने वाले हैं, ठीक है। के गुणा ए का ट्रांसपोज बराबर होता है के ए का ट्रांसपोज, यानी के को यहाँ पे एक अदिश राशि है कि के यहाँ पे कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, 2, 5, 7, 10, 8, 12 कुछ भी हो सकता है, के का मान एक अदिश राशि है, ये रिजल्ट। और सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये है, ये ध्यान में सभी विद्यार्थियों को होना चाहिए, ए डॉट बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज के, कहीं गलती से ए का ट्रांसपोज डॉट बी का ट्रांसपोज मत कर देना, गलत हो जाएगा। इस प्रकार से ओपन होता है, ए डॉट बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज डॉट ए का ट्रांसपोज। यदि ए एक वर्ग अवयव है तब, यदि ए एक वर्ग अवयव है तब ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सममित मैट्रिक्स होगा, इस पे भी एग्जाम्पल करने वाले हैं, सिद्ध करने वाले हैं इस बात को, ए माइनस में ए का ट्रांसपोज एक विषम सममित अवयव होगा। यानी ये जो आज की क्लास में मैंने पढ़ा है ये आपके याद होना चाहिए, इस पे अगर जो नेक्स्ट क्लास आएगी इस पे जितनी भी बातें पढ़ी है सभी पे एक एक दो दो एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपके बात सेट हो जाएगी, हाँ ये बात पिछली क्लास में इस प्रकार से बताई थी सर ने और ये हमने आज सिद्ध कर दी है, ये बात ऐसे होती है, ये सारी बातें सिद्ध करेंगे। ए डॉट ए का ट्रांसपोज तथा ए का ट्रांसपोज डॉट ए एक सममित अवयव होता है, और ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर ए होता है, ट्रांसपोज ले लिया दोबारा ट्रांसपोज लोगे तो वापिस वही रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। यदि कोई ए एक वर्ग अवयव है तो उनको एक सममित अवयव प्लस में एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिख सकते हैं, इस पे भी काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है जो नेक्स्ट अपन लेंगे, चर्चा करेंगे अच्छे से। तो ये जो बात मैंने आज की क्लास में बताई है बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैटर आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जितना मैटर करवाया जाता है, कंटिन्यू क्लास चल रही है, रेगुलर क्लास ज्वाइन करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने मित्र साथियों के पास साझा भी करें, शेयर करें, ताकि वो भी निःशुल्क लग रही क्लासों का अच्छे से लाभ उठा सके। चलेगा आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।